हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिविल और आर्किटेक्चर ब्रांच वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के मैं हाज़िर हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो फ्लोर प्लान बना करके दिखाने वाला हूं, एक ग्राउंड फ्लोर प्लान और एक फर्स्ट फ्लोर प्लान। प्लॉट का साइज़ 22 फिट बाई 42 फिट है। ग्राउंड फ्लोर प्लान के अंदर दो बेडरूम, किचन, लैट्रिन बाथरूम और पार्किंग रहेगा। और फिर फर्स्ट फ्लोर प्लान में तीन बेडरूम, किचन, लेटरिन बाथरूम रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपका कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर ये वीडियो आपके काम का होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। जो प्लॉट है 22 फिट बाई 42 फिट का, जिसमें 2 BHK ग्राउंड फ्लोर में और विथ पार्किंग और 3 BHK फर्स्ट फ्लोर में हमें बनाना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जो हमारा प्रीवियस जो ड्राइंग हमारा है बना हुआ, पेज सेटअप किया हुआ, जिसमें मैंने प्रोजेक्ट 1 बनाया था, उसी फाइल को मैं सेव एज कर लेता हूँ प्रोजेक्ट 2 नाम से, ताकि मेरा जो पेज सेटअप किया हुआ है वो हमें एज इट इज़ मिल जाए। और जैसे ये इसको अभी फ़िलहाल मैं रहने देता हूँ, लास्ट में मैं इसे इरेज करूँगा, इसको मैं हटा लेता हूँ। जो हमारा प्लॉट साइज है वो है 22 फिट कॉमा 42 फिट का, यही है ना, 22 फिट बाई 42 फिट। इसी को यहीं पे रख लेंगे। ये भी सेम फेस में है जो प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट हमारा था, उसी फेस में ये भी है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें साउथ साइड से भी एक रोड गया हुआ है, सॉरी ईस्ट साइड से भी एक रोड गया हुआ है। ब्रेक लाइन सिंबल बना लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया है ना। अब इसमें हमें प्लान क्या करना है, पहले प्लान करना है 2 BHK का ग्राउंड फ्लोर में और 3 BHK का फर्स्ट फ्लोर में। तो ग्राउंड फ्लोर में पहले हम प्लान करेंगे, और पार्किंग का भी हमें इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें जो मेन रोड है वो ये वाला रोड है, यानी साउथ वाला जो मेन रोड है, और ईस्ट साइड से जो रोड है ना वो रोड नहीं है बल्कि स्ट्रीट है, या रोड ही मान लेते हैं, लेकिन मेन रोड जो है वो साउथ है और एंट्री जो होगा वो भी साउथ की तरफ से ही होगा। तो इसमें वेंटिलेशन का भी प्रोविज़न नहीं है, यानी सेटबैक का इसमें जो सेटबैक रखा जाता है वो सेटबैक का ऑप्शन इसमें नहीं है हमारे पास। इसमें हैच पैटर्न फिल कर लेता हूं मैं। और फिर इस रेक्टेंगल को मैं कॉपी करके बगल में रख लेते हैं। ये रेक्टेंगल है, इसको एक्सप्लोड कर लेंगे हम एलिमेंट, यानी रेक्टेंगल के लाइन को अलग अलग करने के लिए। अलग अलग हो गया। अब देखिए ये जो
एरिया है हमारे पास, ये एरिया है 22 फीट बाई 42 फीट का, यानी काफ़ी छोटा एरिया है, बड़ा एरिया नहीं है। तो इसमें जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चाहें तो आउटर वाल को 5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आउटर वाल को 10 इंच ही रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड को यूज़ करके 10 इंच का आउटर वाल पहले हम बना लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए वास्तु के अनुसार, वास्तु शास्त्र के अनुसार, जैसे यहाँ पर हमने प्लान किया था किचन हमारा इस कॉर्नर पे रहना चाहिए, तो उसी तरीके से इसमें भी किचन यहीं पर रहना चाहिए और साथ साथ पार्किंग भी हमें देना है। पार्किंग जो यहाँ पर होगा वो गैरेज टाइप का नहीं होगा, यानी गैराज जो होता है जिसमें शटर लगा दिए वो पार्ट अलग हो गया, वो नहीं, बल्कि हम पार्किंग से ही घर में एंट्री करेंगे। एंट्री वाला भी वो रास्ता रहेगा, एंट्री वाला भी वो स्पेस रहेगा और साथ साथ पार्किंग भी रहेगा, यानी वहाँ पर गाड़ी भी पार्क होगा फोर व्हीलर, और वो एंट्री के लिए भी रहेगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि आउटर वॉल के बाद हमारे पास कितना स्पेस बचा है। ये स्पेस हमारे पास बच रहा है 20 फीट, है ना, 20 फीट। इस पार्ट को या फिर एक काम करें, ऑफसेट कमांड में आए और 12 फीट का अगर हम पार्किंग में स्पेस दे दें 12 फीट, फिर ऑफसेट कमांड में आए 5 इंच का ऑफसेट ले लें। अगर आप गाड़ी पार्किंग का स्पेस अगर आप देखना चाहते हैं या क्या स्पेस होना चाहिए वो अगर आप रखना चाहेंगे, तो उसके लिए फिर आपको डिपेंड करता है गाड़ी के साइज पर, गाड़ी का साइज कौन सा गाड़ी आप रखना चाहते हैं उस पर। अगर आप फॉर्च्यूनर या फिर बड़ी गाड़ी जैसे फॉर्च्यूनर हो गया, क्रेटा हो गया, ये सब अगर आप रखेंगे, स्कॉर्पियो रखेंगे, तो उसके लिए फिर आपको आपके पास जो गाड़ी पार्किंग का जो लेंथ होना चाहिए यानी डेप्थ होना चाहिए वो 15 से 18 फीट होना चाहिए। विड्थ जो है वो 10 फीट काफ़ी है, लेकिन मैं यहाँ पर 12 फीट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आने जाने का भी वो रास्ता है। और फिर इसके ऊपर हम रूम बना लेंगे तो रूम का भी स्टैंडर्ड साइज हमारा निकल जाएगा 12 फीट। लेकिन अब यहाँ पर डेप्थ जो है, चूँकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम सारा स्पेस पार्किंग में ही रख दें, क्योंकि सारा स्पेस अगर हम पार्किंग में रख देंगे तो फिर पता चला हमारे पास जो है स्पेस ही नहीं बचा, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 42 फीट है, ओनली 42 फीट, है ना। तो क्या करते हैं वो देख लेते हैं। पार्किंग के लिए यहाँ पर हम ऑफसेट में आएंगे और 12 फीट का ऑफसेट ले लेंगे, 5 इंच, चलिए 15 फीट ही रखते हैं, ये अभी 12 फीट है ना, ये हमारा 12 फीट है, इसको हम 3 फीट और आगे कर लेते हैं, ये 15 फीट हो गया हमारा। अब इसके बाद इधर कितना स्पेस बच रहा है वो देखिए, इस स्पेस में हमें क्या सब करना है, रूम भी बनाना है। तो रूम जो हम बनाएंगे अब, तो इसके मिड से एक लाइन लेंगे, ऑफसेट कमांड में आएंगे और 5 इंच का हम ऑफसेट किसी एक साइड ले लेते हैं। ये 9 फिट 9 इंच आ रहा है और ये 10 फिट 2 इंच आ रहा है। छोटा साइज है तो छोटा साइज का ही रूम हमें बनाना पड़ेगा, मजबूरी है हमारे पास, 2 इंच इसमें दे देते हैं, यानी ऑलमोस्ट 10 फिट का हो गया, है ना। अब ऑफसेट कमांड में आएंगे, दूसरे साइड का ऑफसेट हम ले लेते हैं 12 फिट, और इसको हम ट्रिम कर लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन क्या बच रहा है, क्या क्या मेरे मुझे करने के लिए यहाँ पे बच रहा है वो देखिए। यहाँ पर मुझे स्टेयर केस चाहिए,
यहाँ पर मुझे एक लैट बाथ चाहिए, किचन के लिए जगह मेरे पास मिल रहा है, अगर मुझे लगेगा कि नहीं मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम हो रहा है तो मैं इस पार्किंग वाले स्पेस को कम कर लूँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 4 फीट का हम एंट्री गेट बना लेते हैं, यहीं से एंट्री करेंगे। इस साइड से क्यों नहीं किए, क्योंकि इस यहाँ पर स्टेयरकेस का डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये साइड हमारा हो जाएगा और ये किचन का एंट्री होगा इस तरफ, तो इसलिए यहाँ पर एंट्री इसी पोजीशन पे रखना होगा। अब हम ऑफसेट कमांड में जाएंगे और 3 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेते हैं, इससे इस तरफ, इससे इस तरफ। एल टाइप का हमारा जो स्टेयर बनेगा वो एल टाइप का होगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ राइजर जो है वो कितना रखना चाहिए अगर हम 11 फीट हाइट रख रहे हैं। स्टैंडर्ड साइज जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का है वो 11 फीट है ग्राउंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में आप उसको 10 फीट कर सकते हैं या 6 इंच कम कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर को 11 फीट आप रखिए ही रखिए, क्योंकि 11 फीट रहने से क्या होता है कि अगर आप फॉल सेलिंग वगैरह भी अगर करवा रहे हैं तो वो फिर मेंटेन हो जाता है हाइट। नहीं तो अगर आप 10 फीट हाइट रखेंगे बिल्डिंग का, ऐसे कमर्शियल बिल्डिंग अगर है, मान लीजिए अपार्टमेंट वगैरह बन रहा है, रेंट पर्पज से है अपार्टमेंट टाइप का, तो फिर वहाँ पर हाइट जो है वो कम रखा जाता है जानबूझ करके, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्या होता है ना कि हाइट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर 10 फ्लोर का बिल्डिंग बनना है, एक एक फीट अगर सब फ्लोर में से अगर हम काट लेंगे तो एक फ्लोर का मुझे ऑटोमेटिक है कि एक फ्लोर मुझे उसमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग बाय लॉस के अकॉर्डिंग जो है हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है वो फिक्स रहना चाहिए, उससे ज़्यादा आपका बिल्डिंग हाइट नहीं होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पर जो कमर्शियली जो अपार्टमेंट बनते हैं वहाँ पर हाइट ऑफ जो फ्लोर होते हैं, हाइट ऑफ जो सीलिंग होता है उसका इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। कई बार तो आप देखेंगे अगर बड़े बड़े शहरों में आप जाएंगे, मेट्रो सिटी वगैरह में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सीलिंग काफ़ी नीचे रहता है, मतलब ऐसा लगेगा कि 9 फीट के आसपास है। उसका रीज़न ये है कि एक एक फिट कम कर दिया जाता है जिससे एक फ्लोर उनको एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर 10 फ्लोर है, 8 फ्लोर है, तो एक फ्लोर उनको एक्स्ट्रा मिल गया। लेकिन जनरली रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, छोटे टाउन में बिल्डिंग बन रहा है, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, वहाँ पर स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। तो 11 फिट मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, तो नंबर ऑफ राइजर जो होगा वो कितना होगा, 22 होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर 22 राइजर हमारे पास हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो ऑफसेट कमांड में जाएंगे और 10 इंच का ऑफसेट ले लेंगे, इससे इस तरफ। फिर ऑफसेट कमांड में जाएंगे, 3 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेंगे, इससे इस तरफ। ये ऐसे करके हम ऐसे आएंगे, लेकिन यहाँ पर 3 फीट 6 इंच का स्पेस मेरे पास रहना चाहिए, तो वो हम कम कर लेंगे। देखते हैं अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ करके, या फिर ये काम करते हैं, पहले इसको हटाते हैं। डोर का जो ओपनिंग है वो 3 फीट 6 इंच है, ठीक है, ये तो फ्री स्पेस रहेगा ही रहेगा। अब हम जो हमारा स्टेप होगा 10 इंच का, इससे ज्यादा हम यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो जा सकते हैं, यहाँ मेरे पास ऑप्शन है, जा सकते हैं। इधर नहीं जा सकते, ये लास्ट है। अब यहाँ पर स्टेप काउंट कर लेते हैं, इधर भी बनाना है, ऑफसेट में जाएंगे, 10 इंच का लेंगे, यहाँ कितना इंच बच रहा है, 6 इंच। तो एक काम करते हैं, 4 इंच हम ले लेते हैं पार्किंग वाले पार्ट में से, अब पहले स्टेप को काउंट करते हैं,
अगर नहीं होगा तो हम राइजर को 7 इंच कर लेंगे, 6 इंच की जगह 7 इंच कर लेंगे। अब देखिए इसको काउंट कीजिए। काउंट करने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ, सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, इरेज कर लीजिए, टोटल 16 हो गया, 17, 18, है ना, बात समझ में आई। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ही है। तो यहाँ पर एक काम हम कर सकते हैं, वाइंडर यहाँ लगा देंगे, एक वाइंडर यहाँ लग जाएगा, एक वाइंडर यहाँ लग जाएगा, क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है। इधर पार्किंग में भी मुझे स्पेस रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होगा, यहाँ पर स्टेप भी बनेगा, कम से कम 3 स्टेप तो हमें बनाना ही बनाना होगा, क्योंकि जो प्लिंथ हाइट होगा उस प्लिंथ हाइट पे चढ़ने के लिए, तो ये स्टेप भी इसी में से जाएगा ना, इसलिए। अब हम स्टेप मेजर कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब स्टेप कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी ये 10 फीट के हिसाब से अगर बिल्डिंग का हाइट 10 फीट रखते हैं तब तो ये काफ़ी है, लेकिन बिल्डिंग का हाइट मुझे 11 फीट रखना है। कितना रखना है? 11 फीट। उस कंडीशन में हम यहाँ पर अब राइजर को 7 इंच करने वाले हैं, ट्रेड 3 इंच ही रहेगा ऑलमोस्ट। अब हम इसको कॉपी करते हैं और देखते हैं कि नंबर ऑफ राइजर जो है वो कितना मांग रहा है, तो हम वहाँ पर फिर कुछ और दिमाग उसमें हम लगाएंगे। यहाँ आया है, यानी एक राइजर जो है वो 6 इंच का रहेगा और बाकी राइजर जो है वो 7 इंच का रहेगा। ये 11 फिट हुआ। अब इसको काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी टोटल नंबर ऑफ राइजर जो है वो 19 रहना चाहिए, तब जाकर के बिल्डिंग हाइट पे, बिल्डिंग हाइट जो है वो 11 फिट होगा, यानी फ्लोर हाइट जो है, बिल्डिंग हाइट नहीं, फ्लोर हाइट जो है वो 11 फिट होगा, 11 फिट होगा। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर ऑफ जो राइजर है वो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वाइंडर को यहाँ से हटा देता हूँ, इस वाइंडर को रखते हैं, इस वाइंडर को हटा देते हैं। अब कैलकुलेट करेंगे तो 19 हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और हम यहाँ पर, ये हमारा फ्री स्पेस भी हो गया, इसको हम ट्रिम कर लेंगे और ऑफसेट कमांड में जाएंगे, 3 फीट 6 इंच का हम ऑफसेट इस तरफ भी ले लेंगे।
दो बेडरूम भी हो गया, किचन हो गया। अब देखिए किचन जो है, किचन जो है हमारा वो ऑलमोस्ट बड़ा साइज हो गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, किचन के पार्ट को हम छोटा कर लेंगे। नहीं कर सकते छोटा, जिससे क्या होगा यहाँ पे डाइनिंग स्पेस भी हमारे पास मिल जाएगा। किचन का डोर ओपनिंग हम कर लेंगे 3 फीट। अब इसमें एक काम और बच रहा है, वो है लैट बाथ का। लैट बाथ हम यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे कितना स्पेस है हमारे पास, 6 फीट 6 इंच है, जो कि पॉसिबल नहीं है उस साइड से। 4 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेंगे इससे इस तरफ, और फिर ऑफसेट कमांड में जाएंगे, 5 इंच का ऑफसेट लेंगे इस तरफ। आज मुझे एप्लीकेशन पर एक कमेंट आया था, एक क्वेश्चन आया था कि मुझे हर चीज का एक स्टैंडर्ड साइज जानना है। बेडरूम का स्टैंडर्ड साइज क्या है, किचन का स्टैंडर्ड साइज क्या है, लैट बाथ का स्टैंडर्ड साइज क्या है। देखिए अभी सिर्फ प्रोजेक्ट दो हुए हैं, दूसरा चल ही रहा है। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमने कवर किया था उसमें दो प्लान मैंने बना के दिखाया था, और ये तीसरा प्लान अभी बन रहा है। तो आप अभी तक में, या फिर अगर आप खुद अगर प्रैक्टिस करते होंगे, या अगर आप फ्लोर प्लान बनाते होंगे, तो आप ये फील करते होंगे कि स्टैंडर्ड साइज नहीं होता है इन सब चीजों का। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट डे में, मिनिमम हमेशा जो है ना, मिनिमम को ध्यान में रख करके चलना है। जब भी प्लानिंग करनी है तो मिनिमम को ध्यान में रख के चलना है। जैसे कि बेडरूम है, तो बेडरूम में मिनिमम स्पेस क्या होना चाहिए, जिससे बेडरूम के अंदर जो एसेसरीज हैं बेडरूम का, जैसे बेडरूम का मेन इम्पोर्टेंट क्या है, बेड सबसे इम्पोर्टेंट है। बेड बेडरूम में, एक बेड, अगर बेडरूम में अगर बेड ही नहीं लगेगा तो वो बेडरूम होगा नहीं होगा। तो बेड और एक वार्डरोब और सोफा, अगर सोफा के लिए स्पेस नहीं भी है तो वार्डरोब के लिए तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो यानी बेड और वार्डरोब का स्पेस के लिए जितना स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है। अब ऐसा नहीं है कि बेड तो 5 बाई 6 का होता है, तो 5 बाई 6, और वार्डरोब हो गया आप 2 बाई 6, तो मतलब इतने ये बेडरूम हो गया। नहीं, वो नहीं, मीन्स के एक बेड और वार्डरोब के बाद स्पेस इतना हो मूवमेंट करने के लिए कि दो आदमी उसमें मूवमेंट कर सके। तो वो जो साइज अगर आप देखेंगे तो वो 10 बाई 10 होगा मिनिमम साइज, या 9 बाई 10 कह सकते हैं मिनिमम। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। आप 20 फीट के, मैंने कई बार प्लान करके क्लाइंट को दिया, 20 फीट का भी रूम उनको चाहिए, बेडरूम चाहिए 20 फीट का, 18 फीट का बेडरूम चाहिए। तो मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम ये रिक्वायरमेंट हमेशा ध्यान में रख के चलना है कि जहाँ जिस जगह के बारे में हम सोच रहे हैं वहां पर मिनिमम क्या हो सकता है। अब उसमें आप थोड़ा स्पेस बढ़ा लीजिए, आपके पास प्लॉट साइज आपका बड़ा है, थोड़ा बड़ा बना लीजिए। जैसे अभी पिछले दो लाइव सेशन में हम लोग देख रहे थे, वहां पर हमारे पास स्पेस था तो हम बड़ा बड़ा रूम बनाए, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो थोड़ा छोटा रूम बन रहा है, किचन छोटा बन रहा है। उसी तरह से लैट बाथ में भी थोड़ा कंप्रोमाइज करेंगे, लेकिन इतना कंप्रोमाइज नहीं कर देंगे कि फिर दिक्कत ही हो जाए। तो स्टैंडर्ड साइज मैंने यहाँ पर लैट बाथ का लिया 4 फीट 6 इंच। अब ऑफसेट कमांड में आएंगे, 8 फीट का हम ऑफसेट लेंगे इससे इस तरफ, फिर ऑफसेट कमांड में आएंगे और 5 इंच का ऑफसेट लेंगे इससे इस तरफ, और फिर ट्रिम कमांड को यूज करके ट्रिम कर लेंगे। अब इसका जो डोर है वो इस साइड नहीं खोलेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे 2 फीट 6 इंच। लेट बाथ के डोर का जो साइज होता है वो 2 फीट 6 इंच होता है। अब देखिए यहाँ पर लेट बाथ क्यों दिया मैंने, क्योंकि एक तो ये है कि मेरे पास यही जगह बच रहा है, दूसरा रीजन ये है कि इस साइड मेरे पास वेंटिलेशन है। वास्तु के अनुसार भी हमें ध्यान में रखना होता है, लेकिन स्पेस
अगर हमारे पास कम है तो फिर वहाँ पर हम देखेंगे कि किस जगह सुटेबल हो रहा है। मेन जैसे हमारा किचन है वो वास्तु के अनुसार हमारा सेट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। स्टेयर केस वास्तु के अनुसार सेट है। स्टेयर केस का नियम है कि स्टेयर केस जो है हमारा इस कॉर्नर में नॉर्थ ईस्ट यानी इस कॉर्नर में नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट वाले कॉर्नर में कभी भी स्टेयर केस नहीं होना चाहिए। इस कॉर्नर में वेस्ट साइड हो साउथ साइड हो स्टेयर केस पॉसिबल है। और किचन जो है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर पे हो हमेशा। वॉशरूम का भी है यानी बात लेट बात का भी है कि वो साउथ के फेस में साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। साउथ की वॉल से अटैच होना चाहिए लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि हम साउथ के डायरेक्शन में उसे रख सकेंगे। लेकिन यहाँ पर ईस्ट साइड दे दिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे हो सकता है पॉसिबल है। बस जो लेट बात का शीट लगेगा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास डाइनिंग के लिए भी स्पेस बच गया। 10 फीट का स्पेस इनफ है डाइनिंग के लिए। और ये छोटा सा हॉल भी हो गया अंदर में। ये पार्किंग एरिया हो गया। ये दोनों रूम हो गया। अब करना कुछ नहीं है। अब ट्रिम कमांड करें को यूज करेंगे और बाकी का काम करेंगे। ये मेन इम्पोर्टेंट है जो अभी मैंने करके दिखाया ना। इतना ये करने में काफी समय लगता है। मेरा तो ये प्लान पहले से बनाया हुआ है। मैं अभी देख करके नहीं बता रहा हूँ आप लोग को बल्कि ये माइंड में हमारे स्टोर है। चूंकि देख करके जो मैंने मैंने जो प्लान बनाया था उसमें मेरा ये स्टेयर केस यहाँ पे था। पार्किंग एरिया मैंने छोटा रखा था। यहाँ पर एक बेडरूम मैंने बनाया था। किचन को अंदर किया था मैंने लेकिन यहाँ पर मुझे वास्तु के अनुसार बनाना था इसलिए मैंने ऐसा प्लान बनाया है। अब देखिए इसको ट्रिम करेंगे। यहाँ पे शटर लग जाएगा हमारा। ये हो गया। अब क्या करते हैं बेडरूम का जो डोर सिंबल है इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया था यहाँ से। और फिर इसी को हम मिरर कर लेंगे। किचन के लिए तो किचन का ये हमारा डोर सिंबल है बना हुआ। ये हो गया। अब देखिए इस रूम में वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा। इस रूम में वेंटिलेशन होगा आराम से। तो यहां से हम इस डोर को इस विंडो सिंबल को कॉपी करेंगे। यहां पे रखते हैं और फिर इसे 10 इंच अंदर मूव कर लेंगे। यहां से इस वाले डोर को विंडो को सेलेक्ट करके यहां और यहां और ये वाला विंडो सिंबल यहाँ से कॉपी करेंगे यहाँ रखेंगे। और लेट बात के लिए
सपोज करिए इस साइड भी वेंटिलेशन नहीं होता, इस साइड भी वेंटिलेशन नहीं होता, तब क्या क्या उपाय था इसका? तब इसका उपाय ये था कि मुझे इस बाथरूम को, टॉयलेट को मुझे कम से कम 1 या 2 फीट और इस तरफ करना पड़ता और यहाँ पे एक डक्ट लगाना पड़ता। क्योंकि हमें स्पेस भी रख नहीं रहे हैं, तो फिर हमें वो चीज तो सोचना होगा। यहाँ पे फिर ये कितना स्पेस बच जाएगा, 3 फीट 10 इंच है मूवमेंट करने के लिए, काफी है। तो ये जो स्पेस होता हमारा, यहाँ पे 5 इंच का वॉल दे देते, और ये हमारा क्या हो जाता, डक्ट हो जाता। जिससे इस हॉल में भी वेंटिलेशन हो जाता, इस रूम में भी वेंटिलेशन हो जाता और इस बाथरूम का भी वेंटिलेशन हो जाता। किचन के लिए तो इस साइड से रोड है ही, तो वेंटिलेशन मिल ही रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसलिए इसको हटाते हैं। मैंने बस आप लोग को समझाने के लिए वो काम किया। अब क्या करना है, अब यहाँ से टेक्स्ट लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, कोई दूसरा टेक्स्ट स्टाइल अब यूज करता हूँ। एक मुझे ये वाला पसंद है, डीटी यानी सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखने के लिए डीटी लिखते हैं, जस्टिफिकेशन करते हैं, मिडिल ऑप्शन यूज करते हैं और कहीं पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट हाइट यहाँ पर 8 इंच ही रखेंगे क्योंकि रूम छोटा छोटा है। बेड रूम, उसके नीचे भी बेड रूम। अब डायमेंशन कर लेते हैं, ये 9 फीट 11 इंच बाई 12 फीट है। डबल क्लिक करके टेक्स्ट एडिट कर लेंगे, 9 फीट 11 इंच इनटू 12 फीट। अब इस दोनों को इरेज कर लेंगे, सेलेक्ट करके कॉपी कमांड को यूज करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा पार्किंग। पार्किंग का स्पेस क्या हमने रखा है, 12 फीट। ये पूरा ले लेंगे ना यहाँ से, क्योंकि ये तो शटर, ये ग्रिल जो लगेगा, तो ग्रिल कितना छोटा लगता है, ग्रिल का साइज ही क्या होता है, वॉल के इक्वल तो होगा नहीं। पूरे में ग्रिल लगा देंगे स्लाइडिंग वाला, तो ग्रिल का डिजाइन देखिए कैसे कर लेते हैं। यहां से 1 फीट और इसी को कॉपी करके यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ एक लाइन बनाएंगे, यहाँ से लाइन टाइप में आते हैं और जिगजैग वाला जो लाइन है वो पहले लोड कर लेते हैं। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, देखिए स्केल फैक्टर काफी, यानी LTS जो है वो काफी बड़ा हुआ है। तो इसको सेलेक्ट करके आप अगर डायरेक्ट LTS कमांड को यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 है, इसको 1 करेंगे, तो ये तो छोटा होगा ही, लेकिन और साथ साथ जैसे इस जगह जहाँ जहाँ मैंने LTS के लिए यूज किया था, यानी LTS कमांड से हम लाइन टाइप स्केल जो है वो चेंज तो करते हैं, लेकिन वो कंप्लीट ड्राइंग के लिए होता है। लेकिन 1 करने पर भी आप देख रहे हैं कि ये जो है
बड़ा ही दिख रहा है, मुझे इसको और छोटा करना है। तो इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे, यहाँ पे लाइन टाइप स्केल आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप इसका लाइन टाइप स्केल कम कर लीजिए 0.4। ग्रिल का डिजाइन हो गया सिंपल, इसका साइज है 12 फीट इंटू 15 फीट 6 इंच। अब किचन डीटी जस्टिफिकेशन मिडिल ऑप्शन कहीं पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट हाइट कर लेते हैं 6-7 इंच, रोटेशन एंगल 0, किचन किचन टेक्स्ट स्टाइल में आता हूं मैं, बोल्ड का ऑप्शन है, बोल्ड कर लेते हैं। अब देखिए ये 8 फीट 8 इंच मैंने दिया है, यहाँ पर मेरे पास कितना स्पेस है, 10 फीट 5 इंच है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, डाइनिंग के लिए काफ़ी स्पेस है, किचन भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अब इसको कर लेंगे 7 फीट 11 इंच इंटू 8 फीट 8 इंच, उसके बाद इसको इरेज कर लेंगे। अब इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे रखते हैं, ये हो जाएगा हमारा डाइनिंग स्पेस और सिर्फ इसमें चेंज करना होगा 10 फीट 5 इंच। अब आइए यहाँ पे डीटी यहीं पे क्लिक किए, मिडिल पॉइंट, टेक्स्ट हाइट 5 इंच कर लेते हैं, रोटेशन एंगल 0, बाथ बाथ मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, अगर सिर्फ टॉयलेट होगा तो उसको WC या फिर टॉयलेट लिखना होगा, लेकिन अगर लेट बाथ दोनों अटैच है तो फिर उसको बाथ कर लेंगे। ये 4 फीट 6 इंच है, ये 8 फीट है, 4 फीट 6 इंच इंटू 8 फीट। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहां पे रखते हैं। इस हॉल का कैलकुलेशन कहां से होगा, यहां से होगा। या फिर हॉल का कैलकुलेशन यहां से करिए और यहां से करिए, लेकिन ये जो डायमेंशन मैंने लिखा है ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए होगा, फर्स्ट फ्लोर के लिए फिर ये वाला ही होगा। ग्राउंड फ्लोर में क्योंकि हम यहां से जब चढ़ेंगे ना तो ये पार्ट हमारा सर के ऊपर हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट ये हॉल हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट फ्लोर में कैलकुलेशन उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर में यहाँ से हमें करना होगा ये करना होगा, ये हो जाएगा हॉल फर्स्ट फ्लोर में, लेकिन ग्राउंड फ्लोर में ये रहेगा, तो इसको ग्राउंड फ्लोर है तो यही रहने देते हैं, इंटू 9 फिट 4 इंच, ये हो जाएगा हॉल। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये जो डबल पैनल डोर है ना इसको सेलेक्ट करते हैं, मिरर
रोटेशन स्टेयरकेस का जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। अब इसका मेजरमेंट यहाँ पे हम कर लेते हैं। डायमेंशन स्टाइल में आएंगे, और इस साइड का ये हो गया। आउटर वाला जो डायमेंशन स्टाइल है उसको सेट कर लेते हैं करंट में। ये हो गया, ये हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर प्लान। अब इसको यहां पे हम लिख लेंगे ग्राउंड फ्लोर प्लान। अब इस पूरे डिजाइन को कॉपी करेंगे बगल में, अब क्या करना है यहां से पहले इसको हटा देना है, इसको हटा देना है, इसको रहने देते हैं अभी, इसको हटा देना है। एक्सटेंड कमांड को यूज करना है, एक्सटेंड कर लेना है। अब देखिए ये हमारा अंदर अंदर कितना स्पेस बच रहा है हमारे पास, 14 फीट 8 इंच, और ऐसे है 12 फीट। तो ये तो 12 फीट ठीक है एज इट इज है। इस साइड से मैं 12 फीट का ऑफसेट ले लेता हूँ, बालकनी मैं देना चाह रहा हूँ आगे, 12 फीट का ले लिए। ऑफसेट कमांड में जाएंगे, 10 इंच का ऑफसेट ले लेंगे। ऑफसेट कमांड में जाएंगे, 3 इंच का ऑफसेट ले लेंगे रेलिंग बनाने के लिए। कितना का बालकनी मेरे पास है, 2 फीट 8 इंच है, छोटा बालकनी है। एक काम ये कर सकते हैं, इसको हम 5 इंच कर सकते हैं सेट। ये वाला वाला अगर 5 इंच ही रहेगा तो क्या दिक्कत है, फर्स्ट फ्लोर है, बाकी 10 इंचेस है। इसको हम बालकनी में स्पेस देना चाह रहे हैं इसलिए इसको हम 5 इंच कर लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 फीट का मेरे पास बालकनी आ जाएगा। अब इसको कर लेंगे बेडरूम, और इसको कर लेंगे 12 फीट x 12 फीट। इस डायमेंशन को हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे, इसको मिरर कर लेंगे। और इसको स्ट्रेच कर लेंगे।
अब इस बालकनी में आने के लिए डोर एंट्रेंस बनाना होगा, तो इसका जो डोर एंट्रेंस इस तरफ बनाएंगे ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए, है ना, यहाँ नहीं बना करके इस साइड बनाएंगे और इसको हम ट्रिम कर लेते हैं। इसका गेट जो डोर पैनल होगा वो मैं बालकनी की साइड खोल देता हूँ ऐसे। एक चीज और मैंने बताया था कि लैट बाथ का जहाँ पर डोर सिंबल हम बनाएंगे वहां पर एक लाइन हमें देना जरूरी होता है ताकि लैट बाथ का जो फ्लोर हो वो अलग दिखे। अब यहाँ पर हमें 5 इंच का वॉल भी बनाना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर के लिए, चाहे तो नीचे में भी दे सकते हैं, लेकिन नीचे में हम वॉल नहीं देंगे इसलिए कि नीचे में हम स्टेयर के नीचे का जो पार्ट है वो हम यूज करने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर में वो नियम नहीं होता, फर्स्ट फ्लोर में इस पार्ट को कवर करना होगा नहीं तो कोई भी गिर जाएगा, है कि नहीं। अब जो हॉल होगा हमारा वो यहाँ से कैलकुलेट होगा, नाइन फिट 5 इंच इंटू 8 फिट 11 इंच। ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान। इसमें मैं हैच कमांड को यूज करके हैच पैटर्न फिल कर लेता हूँ। एंगल यहां से डाल देते हैं 50। यहाँ पे 5 इंच वाला मुझे क्या बनाना होगा, विंडो का सिंबल, यहाँ विंडो पड़ेगा ना, तो देखिए क्या करते हैं, इसके मिड से एक लाइन लिए, ऑफसेट कमांड में गए, 2 फीट का इस साइड 2 फीट का इस साइड, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल कमांड को यूज करेंगे, 2x2 का एक रेक्टेंगल बनाएंगे, मिरर कमांड को यूज करेंगे, फिर मल्टी लाइन कमांड को यूज करेंगे, स्केल में जाएंगे, 1 इंच का स्केल रखेंगे, हैश पैटर्न फिल कर सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये आज का लाइव सेशन जो है ये कंप्लीट हो गया। एक काम यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्रिल, इसे मैं सेव कर लेता हूँ, ये प्रोजेक्ट 2 हो जाएगा हमारा।